पीएम मोदी का सपना है कि 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो। पीएम मोदी का यह सपना हकीकत की राह पर चल पड़ा है। 2030 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा भारत। ब्रिटिश थिंक टैंक के मुताबिक भारत 2025 में इंग्लैंड को पीछे छोड़ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं 2030 में जापान को भी पीछे छोड़ देगा। कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के चलते 5वें स्थान से खिसक कर 6ठे स्थान पर आ गई थी, वो आने वाले 10 सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ब्रिटिश थिंक टैंक के दावे के मुताबिक कोरोना काल से प्रभावित हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष के दावे भी मोदी सरकार के खिलाफ एक एजेंडे की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि कोरोना काल में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजरी है, लेकिन देश का विपक्ष इसे गलत नैरेटिव देकर मोदी सरकार पर हमलावर रहा है। ब्रिटिश थिंक टैंक के दावे के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल मोदी सरकार के दिए रोडमैप पर चल रही है। ग्लोबल थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी CEBR की रिपोर्ट में कहा गया है 2024 तक भारत ब्रिटेन से पीछे रहेगा और 2025 में ये उसे पीछे छोड़ देगा। 2035 तक भारत का ग्रोथ रेट घटकर 5.8% पर पहुंच जाएगा। 2027 में भारत की इकोनॉमी जर्मनी को पीछे छोड़ चौथी और 2030 में जापान को पीछे छोड़ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। CEBR का मानना है कि 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में 9% की जबरदस्त तेजी देखी जाएगी और उसके अगले वित्त वर्ष में ये 7% की दर से विकास करेगी।